हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी, जहां हम आज बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या होता है। तो बेसिकली हमें आज मार्केटिंग के बारे में समझना है, और जब आप इसे अच्छे से सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। मार्केटिंग एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग की मीनिंग। मार्केटिंग रिफर्स टू दी एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस की जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट व्हाट कंज्यूमर्स वांट एंड डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस इट एट द राइट प्राइस। द कंपनी देन मेक्स इट एंड सेल इट। तो कुल मिला के मार्केटिंग में क्या होता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि कंज्यूमर जो है उसकी क्या वांट्स हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड रख रहा है, उसे किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। जब मार्केटर ये जान जाता है, जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद वो शुरू करता है प्रोडक्ट को बनाना। उसकी कॉस्ट फिक्स करता है, उसकी रेंज फिक्स करता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को कितने प्राइस से बनाएगा और जिससे उसको प्रॉफिट भी हो और वो अफोर्डेबल प्राइस पर कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा भी सके। तो उसके बाद कंपनी जब प्रोडक्ट बना लेती है, उसके बाद वो कंपनी जो है उसको मार्केट में लॉन्च करती है और कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो जो ये एक्सचेंज प्रोसेस है बायर और सेलर के बीच में, इसको ही मार्केटिंग कहते हैं। कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुँचाती है, कंज्यूमर्स के नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है, और उसके बदले में कंज्यूमर क्या करता है, प्राइस पे करता है। तो बेसिकली मार्केटिंग का मीनिंग बहुत ही डीप है। इसकी ज़रूरत सभी कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। एज वी नो दैट कंज्यूमर इज़ अ किंग। कंज्यूमर क्या है, एक राजा होता है। मार्केट में कंज्यूमर का जो रोल है वो एक मार्केट किंग की तरह होता है। जैसे कि एक कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, फिर वो कितने प्राइस को देना अफोर्ड कर पा रहा है। अगर वो प्राइस उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है, वो उसको देना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, और मार्केटर को इन सब चीज़ों को पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कंज्यूमर को कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानकारी देने का काम किया जाता है, और जब हम उसके बाद कैसे उसको वो सारी चीज़ें बताई जाती, कैसे उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में, जो कंपनी ने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, उसके लिए वो मार्केटर क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है और कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करता है और प्रोग्राम्स लॉन्च करता है। तो बेसिकली मार्केट में कुछ मेन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें हाउ यू कम्युनिकेट विद योर कंज्यूमर्स, और आपके ब्रांड क्या है प्रोडक्ट की, और उसके डिज़ाइन कैसा है, उसका कैसा लोगो है, आपने कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो कंज्यूमर के सामने, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और प्राइसिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत कम है तो कंज्यूमर को लगेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और अगर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस का है तो कंज्यूमर को लगेगा कंज्यूमर वो प्राइस अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो मार्केटर को ये डिसाइड करना है और इस पर इसकी अच्छे से इसके बारे में रिसर्च कर लेनी है कि मार्केट में जो है अदर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने क्या प्राइस लगाया है, कंज्यूमर कितना प्राइस अफोर्ड कर पा रहा है देना, और क्या उस प्रोडक्ट से उसकी जो कॉस्ट लगी है वो उससे प्रॉफिट गेन कर पा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए उसे प्राइसिंग का सही डिसीज़न लेना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में वो ये सब डिसाइड करता है कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे कहाँ पे उसे सप्लाई करना है, कैसे कंज्यूमर तक उसे पहुँचाना है, कौन से इंटरमीडियरीज का यूज़ करना है, कौन से मीडिएटर्स इसमें रिटेलर्स का यूज़ करना है, और मार्केट में किन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा डिमांड है, कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा किन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम मार्केट रिसर्च में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, कंज्यूमर किस कल्चर से बिलोंग करता है, कंज्यूमर का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरीके के फ्रेंड्स हैं उसके, ये सब चीज़ें
भी कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स को ख़रीदने पर काफ़ी हद तक मैटर करती हैं। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना, उसकी नीड्स को जानना, उसको समझना, उसकी प्रेफरेंस किस चीज़ को लेकर ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को समझना मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही वो ये डिसाइड कर पाएगा कि कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट देना है और वो कैसे कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग में इंक्लूड की जाती हैं। देखिए, फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। मार्केटिंग इज़ अ एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वॉन्ट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें कंज्यूमर की नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाता है और कंज्यूमर उसके बदले में प्राइस पे करता है। तो ये जो बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज प्रोसेस होता है गुड्स और सर्विसेज का, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब बायर जो है वो जो कंज्यूमर है जब वो मार्केटर को जब प्राइस पे करता है प्रोडक्ट के बदले में, और जब मार्केटर है वो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको वो प्रोडक्ट्स देता है जिसकी उसे ज़रूरत है, जिसकी वो उसको नीड है, तो ये जो इनके बीच में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है और एक को उसका प्रोडक्ट मिल जाता है जिससे कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है और जो अदर साइड जो मार्केटर है उसको उसके बदले में जो प्राइस मिलता है उससे उसको जो प्रॉफिट मिलता है, ये जो रेसिप्रोकेशन जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है, इसे ही उन्होंने बोला है, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। सो द कोर ऑफ मार्केटिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कस्टमर नीड्स एंड वैल्यूज। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग में पहला पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आता है? ओरिजिनली द टर्म मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी अंडर विच ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड बाई ह्यूमन एफर्ट्स। इट्स अ ह्यूमन एक्शन फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। मतलब कि जो मार्केटिंग है बेसिकली वो ह्यूमन एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि एक तरफ ह्यूमन है और दूसरा वो एनिमल से एक्सचेंज प्रोसेस कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। नहीं, मार्केटिंग टोटली ह्यूमन बेस्ड होती है और ये एक ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पर एक सेंडर होता है, जो सेलर होता है, और दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर होता है। सेलर क्या करता है, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को जानता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उन्हें सेटिस्फाई करता है, और कंज्यूमर उसके बदले में उस सेलर को उसका प्राइस पे करता है। तो ये बेसिकली एक ह्यूमन एक्शन है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ओरिएंटेड। अ बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, हेंस बिजनेस मस्ट फाइंड आउट व्हाट ही डिजायर्स of customer and thereby produce goods and services as per the needs of the customer. Thus only those goods should be produced that satisfy consumer needs and at a reasonable profit to the producer. तो कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर मार्केटिंग है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। कंज्यूमर ही जो होता है वो मार्केट में बोला गया है कि कंज्यूमर इज़ अ किंग। कंज्यूमर मार्केट में राजा होता है। जो कंज्यूमर की नीड्स होती हैं उनको जानना, उनको समझना, और उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस फिक्स करके उन्हें मार्केट में कंज्यूमर के सामने पेश करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है मार्केटर का। बिजनेस मस्ट फाइंड आउट व्हाट द डिज़ायर ऑफ कस्टमर। कंज्यूमर की क्या डिज़ायर है, वो उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसको जानना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग गुड्स को बनाना, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना, ये काम होता है प्रोड्यूसर का, मार्केटर का। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन सेंटर पॉइंट होता है वो कंज्यूमर होता है। फिर आता है एक्सचेंज प्रोसेस implies transaction between buyer and seller। जो marketing होती है वो basically वो exchange process है। भी वहाँ पर क्या होता है, या goods और या फिर services का लेन देन होता है। एक जो consumer होता है उसकी needs को satisfy करता है marketer, और उसके बदले में consumer क्या करता है, उसको price pay करता है। तो जो exchange process है ये marketing में का main point है, और यही एक process है जो marketing में होती है basically। It also involves exchange of technology, exchange of information and exchange of ideas। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मार्केटिंग में सिर्फ
प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का ही एक्सचेंज नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है और आइडियाज़ को भी एक्सचेंज किया जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जैसे मार्केट है और जैसे रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है, एवरी डे नई नई चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर रही है, कितनी उसमें ग्रोथ आ रही है, तो उसके बारे में नॉलेज होना भी एक मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से खुद को अपडेट रखना और मार्केट की कि में किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं, कंज्यूमर्स से क्या वांट्स हैं, क्या कैसे क्या उसकी उसकी वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, उसको किस तरह की गुड्स और प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, ये सब देखना और उसका उस कंज्यूमर से फीडबैक लेना, उससे उसके उसकी इंफॉर्मेशंस लेना, ये सारा भी बहुत ही ज़रूरी है। और मार्केटर को ये सब चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, खुद को अपडेटेड रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेशन। मतलब कि मार्केटिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है। मार्केटिंग सीक्स टू अचीव बेनिफिट फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज़ टू जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। तो अल्टीमेट गोल क्या है मार्केटर का? कंज्यूमर की नीड्स और वॉन्ट्स को जानना, उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना, फिर उनको सेटिस्फाई करना कस्टमर को। तो मेन ये गोल होता है मार्केटर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। बिल्कुल, मार्केटिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे काम ख़त्म हो गया उसके बाद अब आगे कोई भी काम नहीं होगा। नहीं, मार्केटिंग में जैसे जैसे आगे और डेवलपमेंट हो रहा है, नीड्स बढ़ रही हैं कंज्यूमर की, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रही है, उसमें नई नई चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट आ रहा है, वो जान रहा है, तो इसके लिए मार्केटर को भी उसी हिसाब से कंज्यूमर की नीड्स और वॉन्ट्स को जानकर उनको उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना, उस हिसाब से प्लानिंग करना, कैसे प्रोडक्ट आएगा, कैसे बनेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कहाँ पे सप्लाई होगा, उसके बाद ये सब चीज़ों पर डिस्कशन होने के बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, और जहाँ पर भी कंट्रोल और कुछ चेंज की ज़रूरत है वो भी करना, ये सारा मार्केटिंग में आता है। और एक ये कभी भी रुकने वाली की वाली प्रोसेस है ही नहीं, ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये थे नेचर ऑफ मार्केटिंग, जहाँ जिसमें हमने क्या जाना कि मार्केटिंग के क्या क्या मेन जो पॉइंट्स होते हैं। देखिए, अगर आप मार्केटिंग की डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हैं, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए, तो नेचर्स जो है उसके वो आइडेंटिफाई करना, उनको पॉइंट वाइज डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मार्केटिंग का नेचर, मार्केटिंग करेक्टरिस्टिक्स, मार्केटिंग के फीचर्स, ये सब एक ही हैं। अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है तो आप इन्हें ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्केटिंग की स्कोप की, तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है वो हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को जानना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाना, ये मेन जो होता है मार्केटर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर को कैसे प्रोडक्ट की डिमांड है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को में इंटरेस्ट दिखा रहा है और किस तरह की प्राइस को वो अफोर्ड कर पा रहा है देना, ये सब चीज़ों की स्टडी करना जो है वो मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह की कल्चर को बिलोंग करता है, ये सब भी चीज़ें जो हैं कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को बताती हैं कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को और गुड्स और सर्विसेज को प्रीफर करता है। तो इसके लिए उसको मार्केटर को कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब कंज्यूमर के बिहेवियर को मार्केटर से समझ जाएगा तभी वो उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को बनाना, उसको कैसे मार्केट में सप्लाई करना है, कौन कौन से मीडिएटर्स का यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, उसको और डेवलप करना है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के लिए को ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाएं। तो इसके लिए प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाना, उसकी क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान देना, इसके बारे में स्टडी करना और उसको सही प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मार्केटिंग की मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट को अलग, जो अदर भी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत ही
अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है। तो मार्केटर के लिए प्रोडक्ट का स्पेसिफिक ब्रांड बनाना, उसकी गुडविल बनाना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक ब्रांड ये प्रोडक्ट को मार्केट में एक नई आइडेंटिटी देती है, उसको पहचान देती है और ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देती है प्रोडक्ट की। हमें भी अधिकतर क्या होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा मार्केटर को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग। प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है, उसकी जो पैकेज की जो तैयार करने की जो तरीका है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटर को देखना चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो कभी कभी पैकेजिंग के को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, उसको उसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है तो वो प्रोडक्ट को ना भी चाहकर वो उसको ख़रीद लेता है। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो उसको सेफ रखती है, उसको प्रोटेक्ट भी रखती है, और साथ ही साथ उसको प्रोडक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए मार्केटर को। तो ये तो मेन एलिमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जा रहा है, कौन से रिटेलर्स हैं, कौन से होलसेलर्स हैं, किस तरह की से उन प्रोडक्ट्स का सप्लाई होगा, कैसे ये प्रोडक्ट्स जो हैं एक प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये जो मीडिएटर्स हैं इनके बारे में भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी, इनके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सही तरीके से जो कंज्यूमर तक पहुंच होती है वो तभी पॉसिबल है जब अगर आपने उसका जो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही चुना होगा। तो इसके बारे में भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज। इसके अलावा अच्छा और है प्रमोशन। किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन बहुत ही वैल्यू करती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको मार्केट में, जैसे कोई नया प्रोडक्ट है और उसे आपको मार्केट में पहचान देनी है, उसको मार्केट में लॉन्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बनाना है, तो इसके लिए एक सही प्रमोशन, एक सही जो एडवर्टीजमेंट है बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसे ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज, किसी भी मार्केटर के लिए और कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद उसको कंज्यूमर से कनेक्शन बनाए रखने के लिए, कंज्यूमर और ज़्यादा आए, बार बार आए, इसके लिए उसे ज़रूरी है कि वो उसकी मार्केट प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसकी अदर जो सर्विसेज हैं वो भी उसे प्रोवाइड करें, जैसे कि उसे वारंटी देना और उसके अलावा किसी तरह की रिपेयरिंग की सुविधा देना और कुछ तरीके के जैसे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना। ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। जब कंज्यूमर को पता चलता है किसी प्रोडक्ट में इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है तो वो उस तरह की शॉप में जाना ज़्यादा पसंद करता है, और इवन वो अदर अपने जो रिलेटिव्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताता है कि आप वहाँ उस शॉप पर जाकर चीज़ें प्रोडक्ट परचेज कर, जिससे क्या होगा कि आपको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गुडविल को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे आज जो हमने पढ़े, ये थे स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जिसमें पहला था स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, आफ्टर सेल सर्विसेज। ये मेन पार्ट्स हैं, मेन स्कोप है मार्केटिंग के। इसके अलावा भी मार्केटिंग में के स्कोप में बहुत सी चीज़ें आती हैं, और मार्केटिंग बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो मेन जो कोर इसका मार्केटिंग का जो पार्ट है वो यही है कि कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो कंज्यूमर की नीड्स को जब आप अच्छे से सेटिस्फाई कर लेते हैं, कंज्यूमर की डिमांड्स को समझ लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट तो होना ही है। तो आपको बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को ही समझना है और उनको फुलफ़िल करना है। तो ये था आज मार्केटिंग के बारे में, और अगर आपको मेरा ये दिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना जो फीडबैक है वो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।